सफोकरा इंसान पुणे सुपरस्टार के बाद अब अविनाश सचदेवा की दिल्ली ख्वाहिश पूरा करने वाले हैं और अविनाश के घर पे हेलीकॉप्टर से 36 या 37 अंडे पहुंचाने वाले हैं। भाई मैं है ना, क्योंकि मेरे को अंडे डिलीवर करने हैं किसके घर। नहीं, ये सब झूठ है जो भी बोल रहा है अभिषेक भाई। आई स्वेयर, अगर मुंबई में ऐसी सर्विस है तो मुझे बताओ। आई एम रेडी टू मेक अ वीडियो ऑन डिलीवरिंग 37 एग्स टू अविनाश भाई ऑन हिज 37th बर्थडे जो अभी आया था। एंड कर सकते हैं सच्ची में। आई एक्चुअली वांट टू डू दिस इफ इट्स अप। हां, वी कैन कोलैबोरेट आल्सो, देयर इज अ ब्रांड आल्सो। तो एक बार बात कर लो। ये देखो जहां पर है बिजनेस, क्या धंधे की बात। चलो सच्ची में रेडी बड़ा है ब्रांड। तो भाई अगर ऐसा है तो आशी भाई, ये तुम्हारा वादा है इस व्लॉग में कि आप मुझे हेलीकॉप्टर बुक करवाओगे। अविनाश भाई ये क्लिप काट के लोग आपको भेज देंगे, बाकी मैं तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। यू नो आई लव यू, यू आर माय बिग ब्रदर। और करो फिर ये करते हैं 37 So, देखो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा तो आपको पता होगा कि अंडे के लिए अविनाश और अभिषेक के बीच में झगड़ा वगैरह हुआ था। उसी में फुकरा इंसान ऐसा बोल दिए थे कि क्या अंडे के लिए झगड़ा करते हो, मैं तुम्हारे घर पे हेलीकॉप्टर से जितने अंडे बोलोगे उतने पहुंचा दूंगा। जिसके रिप्लाई में अविनाश भी बोले थे कि ठीक है बाहर निकल फिर पहुंचा देना। सो अभी क्या है ना कि अचानक से फुकरा इंसान के दिमाग में ये आइडिया आ गया कि चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं। ये आइडिया आया कैसे, तो बेसिकली उनके साथ एक आसिफ भैया थे जो कि किसी से ऐसा बात कर रहे थे कि मुझे बैंगलोर में एयरपोर्ट से बैंगलोर के किसी दूसरे प्लेस पे जाना है और ये चीज बैंगलोर में पॉसिबल भी है कि आप अपना हेलीकॉप्टर बुक करके कहीं जा सकते हो। सो यही बात जब फुकरा इंसान सुन लिए तो उनके दिमाग में ये आइडिया आ गया और वो उनसे पूछने लगे कि मुंबई में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो वो बताया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, कर सकते हैं हम लोग, बट एक प्रॉब्लम है कि आप उनके घर पे हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते क्योंकि किसी भी हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड की जरूरत पड़ती है। सो इनको ऐसा करना होगा कि अविनाश के घर के आसपास में कोई भी अगर हेलीपैड होता है तो वहां पे इनको उतारना होगा। और फुकरा इंसान बताया कि ये उनके 37वें बर्थडे पे करने वाले हैं, तो अगर ऐसा वीडियो बनता है तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।